नमस्कार, स्वागत है आपका SRBN न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भांडेर की राजनीति में उभरता हुआ युवा चेहरा गोविंद परिहार। गोविंद परिहार आज की राजनीति के स्वच्छ एवं साफ हृदय वाले उभरते युवा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम गोविंद परिहार जी के बारे में बात करें तो गोविंद परिहार जी 2018 में भी प्रयास करते हुए नजर आए थे और 2023 में भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि गोविंद परिहार जी का मूल मंत्र है सेवा परमो धर्म, क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भांडेर की समाज सेवी टोली के साथ जुड़कर करते हैं समाज सेवा, असहाय व जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से करते हैं सेवा। चलिए हम सीधा गोविंद परिहार जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा जो होता है, तो मैं काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, और ये मेरा जो स्थानीय ग्राम है बागपुरा, मैं वहां का रहने वाला हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा आपने पूछा मुझसे कि आए विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपकी तैयारी है, हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं कोई यह नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए ही कार्य कर रहा हूं। हमें जो पार्टी काम देती है हम वो करते हैं, और चुनाव लड़ने का फैसला भी संगठन तय करेगा। जो संगठन कहेगा मैं उसका आदेश का पालन करूंगा। हमें जो काम मिलता है, पार्टी जो कार्य देती है, हम वो कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो या अन्य हो। हमें जो पार्टी दायित्व सौंपती है उस पर हम निर्भर करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए नहीं करते कि हम टिकट की दौड़ में हैं या है। इसका फैसला हमारा जो संगठन है वो तय करता है, और संगठन ही सर्वोपरि है। और आपको कई बार जैसे समाज सेवा की कार्य करते हुए देखा है, आप समाज सेवा कार्य में बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं आप। इसको हमारी समाज सेवी टोली की मैं भांडेर की सदस्य हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि समाज सेवी टोली आपको विगत 4-5 वर्षों से कई सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जैसे हम 5 साल से करीब भांडेर विधानसभा के प्रत्येक गाँव में जाके हमारे जो सैनिक भाई उनके कार्यक्रम का सम्मान करते हैं। कन्या पूजन का कार्य हमारा चल रहा है विगत 5 सालों से, और हम विगत 2 वर्षों से अभी हम वनवासी परिवार हमें जाके उनके कन्याओं के पैर पूजे और उनको शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित हम लोग प्रेरणा देते हैं, पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हैं, जल बचाने की प्रेरणा देते हैं। ये सारे काम हमारे सामाजिक समरसता के चलते हैं, और ये हमारी टोली के माध्यम से होते हैं। और जो हमारा एक प्रति मंगलवार करीब 3 सालों से एक कार्यक्रम चल रहा है श्री राम जन्म भूमि दर्शन के नाम से, कि भांडेर के नगर में जितने भी हमारे हनुमान मंदिर हैं वहाँ 6:10 पर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और अब ये नगर के साथ साथ ग्रामीणों में भी करीब हम 25 गांव कवर कर चुके हैं, और आने वाले समय में हम करीब 100 गांव कवर करेंगे। और इसी प्रकार से जुलाई में भी हमारा कार्यक्रम चलता है, कार चलता है, जलमिश्रित का कार चलता है पूरे तहसील लेवल पे। तो इससे क्या होता है, जो सामाजिक काम है, धर्म के काम है, उससे मन और बुद्धि का विकास होता है। यही शिक्षा हम लोग देने का कार्य करते हैं वनवासी परिवारों में, अभी खास तौर पर कार्य कर रहे हैं। और देखिए 2018 में मैंने प्रयास किया था और पार्टी ने मेरे लिए विचार किया होगा तो उसमें नहीं पाया था मेरे, लेकिन मैंने 2018 में जो प्रत्याशी थे हमारी रजनी प्रजापति जी, मैं उनके साथ लग के चुनाव में मतलब चुनाव में रहे, उनके प्रचार में रहे। इसी प्रकार से उपचुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे श्रीमती रक्षा स्वामी, उनके साथ भी हमने प्रचार किया, गाँव गए। और अब चूंकि आप बोल रहे हैं 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके वजह से हम लोग तैयारी नहीं करते कि हम सब चुनाव आ गए अभी से तैयारी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। हम तो कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। और उन्नाव मंडल, बालाजी मंडल, उन्नाव बालाजी मंडल और सालोन मंडल, भांडेर मंडल में कार लगा हुआ है, पार्टी जो दाद देती है उसका निर्वहन करते हैं। और मैं अपने आप को कोई ये नहीं मानता हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ या पार्टी मुझे प्रत्याशी हूँ मैं या दावेदार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। पार्टी जो तय करेगी, संगठन जो तय करेगा,
मेरी भूमिका वही तय करेगा, वरिष्ठ नेतृत्व जो कहेगा वो करेगा। हाँ, हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होके हम सब मिलकर कार्य करते हैं। देखिए, टिकट को किसी व्यक्ति को मिलता है और हम सब लोग जिताने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि इसका एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती है, कभी भ्रष्टाचार की बात नहीं करती है, गुंडागर्दी की बात नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। आप चाहे देख लीजिए, हर जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करती है, हर वर्ग के लिए कार्य करती है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, हर वर्ग के लिए है। हमारी वृद्धावस्था पेंशन हो, हर वर्ग के लिए है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना हो, हर वर्ग के लिए है। और हमारी अभी लाडली बहना योजना आ रही है, जिसमें 1,000 रुपये प्रतिमा हमारी बहनों को मिलेगा, वो हर वर्ग के लिए है। आप विकास देख लीजिए, रोड देख लीजिए, पुल देख लीजिए, चारों तरफ विकास का कार्य हो रहा है। और दतिया जो जिला है वो इतना अच्छा दतिया जिला हो गया। आप अच्छा कल्पना खुद कीजिए और लोगों से जाके पूछिए, आपने पूछा भी होगा, 70 साल पहले दतिया कैसा था? 70 साल छोड़िए, अभी 15 से 20 साल पहले कैसा था? गुंडागिर्दी थी, जातिवाद हर चरम पर था। आज चारों तरफ विकास बोल रहा है। हमारे डॉक्टर जो गृह मंत्री आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा दादाजी हैं, उनका कार्य इतना अच्छा है, उनकी कार्यशैली अच्छी है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कृषि में। जो कृषि किसान सम्मान निधि है, एक व्यक्ति का बिना बिचौली के साथ पैसा किसानों के खाते में आता है, इससे पहले कभी किसी कांग्रेसी ने किया। हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे शिवराज जी, वी डी शर्मा जी, इतानंद जी, जो जितना भी हमारा संगठन है, सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये हमारे सब प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनको देख के ही आगे बढ़ते हैं और जन जन तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना बनाते हैं, विकास की योजना बताते हैं। आप बताइए, भांडर में पहले क्या था, आप खुद समझ लीजिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जातियों को बांट दिया और भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, ये सब चलता था। आज अमन और चैन के साथ हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं। किसी भी आप क्षेत्र में उठा दिए, हर घर में कोई ना कोई योजना पहुंची है, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे हमारी बेटियों की शादियों की योजना हो 1,500 रुपये वाली, हर योजना कोई ना कोई परिवार को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाना, इसी के साथ आगे बढ़ रही है। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम फैलाना होता है, भ्रम की राजनीति करती है। मैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर वो हमारी लाडली बहना योजना को चुनावी वो बाधा बता रहे हैं, तो आप एक चीज बताइए कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे 15 महीने के लिए, तो उन्होंने किसानों के 2 लाख कर्जे माफ किए, माफ करने का वादा किया, तो उन्होंने किया क्या? दूसरी चीज, उस समय उन्होंने वादे किए थे कि अगर राहुल गांधी जी उनके राष्ट्रीय नेता हैं, कि साहब अगर ये मुख्यमंत्री सही काम नहीं करेंगे, 10 दिन में अगर किसानों को कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, तो उन्होंने बदला क्या? ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी भ्रम नहीं फैलाती है। लाडली बहना योजना जो है वो मुख्यमंत्री जी की योजना है, वो कभी जब तक मुख्यमंत्री जी हैं वो बंद नहीं होगी योजना, ये भ्रम फैलाते हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो रही है, बुजुर्गों को सब धर्म स्थलों पर ले जा रहे हैं, तो वो क्या योजना बंद हो गई है? कमलनाथ जी ने बंद की थी, आज वो फिर चालू हो गई है। अभी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको राशन मिलता है, तो क्या वो बंद हो गई है? नहीं हुई है। और जो हमारी किसान सम्मान निधि चल रही है, केंद्र सरकार की योजना कृषि मंत्रालय द्वारा, वो बंद हो गई है? नहीं हो गई है, चालू है। ये सिर्फ कांग्रेसी भ्रम फैलाते हैं। कोरोना काल में भी हमारे मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया, वैक्सीन देने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया, और हमारा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, गली गली मोहल्ले में घूम रहा था, राशन दे रहा था, लोगों को दे रहा था, तब ये कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ थे? तब इन्होंने सवाल नहीं उठाए। सिर्फ चुनावी का जो भ्रम फैलाने का काम करती है वो कांग्रेस करती है। कहीं पूजा पाठ का ढोंग करती है, कहीं कुछ करती है,
ऐसे ही इनका काम है। ये लोग तो ऐसे हैं कि हमारे बजरंग बली पे भी प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं। अभी आप कर्नाटक उपचुनाव में देख ली, कर्नाटक के चुनाव में देखो, इनके मैनोफेस्टो में आया कि हम बजरंग दल जो एक संगठन है उसको हम बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? आप पाकिस्तान के जो संगठन चल रहा है उनको तो बंद कर नहीं पाए, उनको बंद करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और हमारे जो शिवराज जी हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, राम मंदिर हमारा बना बन गया है, ये भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे जो जो राम भक्त हैं उनकी देन है, उनकी आहुति की देन है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, जबकि कांग्रेस के लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है, अयोध्या काल्पनिक है। आप ये इन लोगों से आप क्या बात करोगे? ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने का कार्य कांग्रेस के नेता करते हैं और उनका वरिष्ठ नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विकास पे बनेगी और हर वर्ग की सरकार ये है, किसी एक की नहीं है, हर वर्ग की है। जैसा कि आपने देखा अभी हमारी बात गोविंद परिहार जी से हो रही थी, उन्होंने अपने विषय में काफ़ी कुछ बताया और पार्टी ने जो भी कार्य की है उनको लेकर भी काफ़ी कुछ बताया। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि इनको पार्टी से मौका मिले और बन के आएँ और भंडारा क्षेत्र का विकास कराएँ। धन्यवाद।